पानी के लिए लाइन लगाते हैं या पानी की आपूर्ति टैंकर से हो रही है, समय पर जलापूर्ति योजना पूरी नहीं होने के कारण ये हालात बने हैं। हम आपको बता दें कि तजना बराज सूख गया है और भूगर्भ जलस्तर काफी घट गया है, इस वजह से यह समस्या विकराल रूप लेती चली जा रही है। तो खूंटी नगर पंचायत का इलाका इन दिनों घोर पेयजल संकट से गुजर रहा है। कई वार्ड में पानी की कमी को देखते हुए विधायक टैंकर से पानी पहुंचवा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। टैंकर से हो रही पानी की आपूर्ति, समय पर पूरी नहीं हुई जलापूर्ति योजना, तजना बराज सूखा, घटा भूगर्भ जल स्तर, कोरोना के कारण लगा था तजना पर विराम, दो साल में करना था पूरा, अधूरा है काम। जरा पानी टैंकर के पास पानी लेने के लिए खड़ी इस भीड़ को देखिए, कोरोना काल में ये विकराल रूप ले सकता है, लेकिन इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है क्योंकि इनके लिए पानी सबसे जरूरी है। पानी की यह दिक्कत जलापूर्ति योजना के नहीं बनने से हुई है। कोरोना के कारण योजना पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया और वो समय से पूरा नहीं हो पाई। तजना बराज भी सूख गया है, इससे जमीनी जल स्तर घट गया है और पानी की भारी किल्लत हो गई है। फिलहाल बराज का गाद हटाया जा रहा है, लेकिन पानी आने में काफी समय लग जाएगा। का जो जल स्रोत नीचे चला जा रहा है, यही सबसे बड़ा इसका दिक्कत पॉइंट है। कहने का मतलब है कि हम आम जनता, चाहे शहर का हो, चाहे नगर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, हम लोगों को जल संरक्षण करने का जो भी विधि है, जो भी उपाय है, अनेकों दिन से ये कार्यक्रम अनेकों साल जिला के द्वारा चलाया जाता है। शहर का पानी शहर में और ग्रामीण का पानी ग्रामीण में। तजना बराज पूरे क्षेत्र को पानी दे सकता है, लेकिन दो सालों से इसका निर्माण प्रभावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं कि 2021 के अंत तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन कार्य अपना स्पीड में चल रहा है। समय में पूरा हुआ हो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, देरी होता ही है, इसलिए ये भी उसमें से एक है ये कि इस साल के एंड में पूरा कंप्लीट कर देना है। तजना बराज बनेगा, लोगों को पानी भी मिलेगा, लेकिन इस काम में काफी समय लगेगा। क्या तब तक लोग प्यासे ही रहेंगे? क्या उन्हें ऐसे ही लाइन में खड़ा रहना होगा? यदि कोरोना विस्फोट होता है तो क्या विभाग इसकी जवाबदेही लेगा? जरूरत है कि विभाग इस पर विचार करे और लोगों के लिए पानी का पुख्ता इंतजाम करे। न्यूज़ 9 भारत के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।